Assalamu alaikum and welcome. I am Aisha Naz, digital marketer and online IT trainer. Beyond series की second video आ चुकी है और इस video को complete देखिएगा. इस video में मैं आपको advanced features बताऊंगी कि Beyond को किस तरह से use करते हुए आप एक 2D animation video बहुत कम वक्त में कैसे create कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम इसका टाइटल चेंज करेंगे क्योंकि आज की जो वीडियो है वो मैं किसी क्लाइंट के लिए नहीं क्रिएट करी बल्कि अपने यूट्यूब चैनल के लिए क्रिएट कर रही हूँ, जो कि मैंने इसके अलावा एक क्रिएट किया हुआ है, वो भी स्टोरीज़ का ही है. ठीक है, कार्टून स्टोरीज़ का है. तो उसके लिए मैं इसका नाम चेंज कर लेती हूँ. ओके, अभी सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमें बैकग्राउंड चाहिए होता है. ठीक है, किसी भी वीडियो को क्रिएट करते हुए तो बैकग्राउंड यूज़ करने के दो तरीके हैं, दो से तीन तरीके हैं, सॉरी मैं आपको तीनों तरीके बताती हूँ क्या क्या तरीके हैं. सबसे पहले तो आपको ये प्लस का बटन जो है वो नज़र आ रहा होगा, उस पर हम क्लिक करते हैं. इसको क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एड ब्लैंक सीन. ठीक है, ब्लैंक सीन क्या होता है, यही जो एक ब्लैंक पेज है आपके सामने जो नज़र आ रहा है इसी को कहते हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट वन है जी लास्ट सीन से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो जब हम क्रिएट करेंगे तो लास्ट सीन से क्रिएट करते हुए किस तरह से कंटिन्यू करते हैं वो मैं आपको गाइड करूँगी. फिल वक्त के लिए मैं चूज़ टेम्पलेट पर क्लिक करती हूँ और बिजनेस फ्रेंडली यहाँ पर क्लिक करती हूँ. अच्छा जी, अब मुझे बैकग्राउंड चाहिए है, रूम का बैकग्राउंड चाहिए मुझे. ठीक है, यहाँ पे रूम लिखेंगे तो टेम्पलेट्स ये यहाँ पे बने होते हैं. ठीक है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये सीन्स यहाँ पे बने होते हैं. तो अगर तो आपको यहाँ पे कोई सीन अच्छा लग रहा है तो आप यहीं से इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपना क्रिएट कर सकते हैं. सो मुझे तो यहाँ पे कोई अपनी वीडियो के मुताबिक ठीक नहीं लग रहा है. ओके, दिस वन. तो यहाँ पे एक कंप्लीट सीन जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है, बैकग्राउंड भी लगा हुआ है और प्रॉप्स और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी फिट लगाई गई हैं. अब मैं इस बैकग्राउंड का जो कलर है उसको चेंज करना चाहती हूँ, तो उसको किस तरह से चेंज करूँगी, आपको ये दो कलर्स नज़र आ रहे होंगे. ये जो ग्रीन कलर है इसको मैं चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा लाइट हो जाए वो ज़्यादा बेटर लगेगा. ओके, ठीक है. और सेकंड वन, ओके, नॉट बैड. ओके जी, तो बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह से कलर्स चेंज कर सकते हैं. अब दूसरी बात आ जाती है कि कोई ऐसा कलर जो आप एग्जैक्ट चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक ये जो सोफे का कलर है या फिर चेयर कह लें या सोफा कह लें जो भी कह लें, तो मैं चाह रही हूँ कि एग्जैक्ट कलर यही हो, तो क्या करेंगे, ये एक आपको आई ड्रॉपर नज़र आ रहा है, लाइक पेंसिल आपको नज़र आ रही है, तो इसको मैं लेके आऊँगी इस सोफे पे. ठीक है, तो एज इट इज़ कलर जो है इसका पिक कर लिया जाएगा. ठीक है जी, अभी मैं इसको वापस उसी कलर पे ले आती हूँ. सो ये कलर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, जो पहले वाला कलर था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं इसको अनडू करूँगी कंट्रोल जी से. बैकग्राउंड हमें पता चल गया कि हमने किस तरह से लेना है. ठीक है, अगर आप टेम्पलेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो, और टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं. और दूसरी बात आ जाती है जी, यहाँ से एक मेथड आ जाता है जी, ये मेथड. ठीक है, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. और थर्ड मेथड आप यूज़ करेंगे कि आप डाउनलोड कर लें इंटरनेट से कोई भी बैकग्राउंड और उसको सिंपली यहाँ पे ले आएं. ओके, सो अब ये जो एक लड़की है इसको मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी और करेक्टर से रिप्लेस कर दूँ. ओके,
सो आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे रिप्लेस किया, जस्ट इसको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके रिप्लेस को प्रेस कर देना आपने, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी कह लें कि लेडी या फिर बच्चा या फिर कोई भी करेक्टर, किसी भी करेक्टर को आप इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, मैं इसको भी रिप्लेस कर देती हूँ, ठीक है। ये कुछ करेक्टर मैंने खुद क्रिएट किए हुए हैं, तो उनमें से कोई एक करेक्टर ले लेती हूँ। लाइक ये एक छोटी बच्ची का करेक्टर जो बनाया हुआ है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एक छोटी बच्ची का करेक्टर हमने लिया है, ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो करेक्टर है ये हमें बैठा हुआ नज़र आए। तो वो किस तरह से नज़र आएगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एक्शंस पे जाएंगे। यहाँ सर्च बार में हम लिखेंगे सिट। अब यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं, ठीक है, यानी इमेज फॉर्म में भी आपको करेक्टर जो है उसको चेंज करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, या फिर आप उस करेक्टर को दिखाना चाहते हैं कि वो करेक्टर बैठा हुआ बातें कर रहा हो और अपने हैंड्स को मूव कर रहा हो, तो उसके लिए आप इन सारी चीज़ों को वन बाय वन स्क्रॉल करके आप अपने बिहाफ पे देख सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ से मैं ओके नाइस दिस वन इसको यूज़ करूँगी, ठीक है। और इसके बाद एक्सप्रेशंस पे आ जाएंगे। अच्छा, एक्सप्रेशंस बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या है, तो इसको मैं हैप्पी कर दूँगी। और अच्छा, ये जो चीज़ें हैं कुछ, अगर आप कैमरा की तरफ देखेंगे तो जो करेक्टर है आपका वो बिल्कुल सीधा देख रहा होगा, लेफ्ट करेंगे तो वो लेफ्ट देख रहा होगा, राइट करेंगे तो वो राइट देख रहा होगा। तो ये आपने अपने जो भी आपका सीन है उस सीन के मुताबिक आपने इसको कमांड देनी है। मैं इसको कंट्रोल जी कर रही हूँ। ओके, अब इसी करेक्टर को मैं कुछ और एक्शन दे देती हूँ। लाइक मैं इसको दे देती हूँ, चलें ठीक है, यही लिखा हुआ ऊपर, तो यही दे देती हूँ, यूजिंग मोबाइल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कितना मतलब ज़बरदस्त तरीके से इसके एक्सप्रेशंस और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक क्लिक पे बड़ा अच्छा सा सीन जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करके इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो इस तरह से करके आप अपना सीन जो है उसको बड़ा अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड सीन है वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसमें ना मैं कैमरा ऐड करती हूँ, ठीक। लाइक अगर मैं चाहती हूँ कि कैमरे का जो फोकस है ना यहाँ पे हो इस सीन में, ठीक है, इस छोटी बच्ची पे, इसको पहले मैं इधर से सेव करूंगी और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये बेसिकली किस तरह से नजर आएगा। अभी मैंने इसकी वॉइस ओवर नहीं की। ओके, सो इसमें एक और सीन क्रिएट कर लेते हैं। लाइक ये एक सीन जो है इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगी आप सबके साथ। उसी तरह से मैं इसके जो बैकग्राउंड कलर्स हैं उनको चेंज कर लूँगी, ठीक है। ये वैसे वही सही लग रहा था, उसको मैं रिप्लेस ही कर देती हूँ। समथिंग लाइक दिस। ओके जी, ठीक हो गया। ये वन बाय वन आपको चेंज करने पड़ेंगे और ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। लाइक आई ड्रॉपर ले लूंगी यहां से। ओके, दैट्स इट।
इसके अलावा अगर आपको कोई और चेंजिंग करनी है तो उस प्रॉप पे जाएं, ठीक है। प्रॉप बेसिकली ये छोटे छोटे एलिमेंट्स ही हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अभी आपको मैं सीन ट्रांजिशन के बारे में बताऊंगी कि बेसिकली सीन ट्रांजिशन ऐड करने के बाद आपके जो सीन्स हैं वो कितने ज़बरदस्त हो जाते हैं। ये है जी सीन ट्रांजिशन, सॉरी। अब यहाँ पे जब आपका ये सीन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसके स्टार्टिंग पे जो ट्रांजिशन होगी वो क्या होगी, मैं ज़्यादातर ये चीज़ यूज़ करती हूँ। तो इसमें नो मोशन ग्राफिक्स, नो, ओके, ये ज़बरदस्त लग रहा है, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें कैमरा, इसमें हम कैमरा इफेक्ट भी ऐड करते हैं। ओके, मैं चाह रही हूँ कि ये जो कपल है इस पे मूवमेंट की जाए, मतलब ये जो है वो जूम हो। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं इसमें म्यूजिक भी ऐड करूंगी, सो अपलोड यहाँ से होगा। म्यूजिक कोई सा भी ले लेते हैं, ये भी मैंने नई वीडियोस के लिए ही अपलोड किया है। सो इस वीडियो के साथ जब म्यूजिक ऐड होगा तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। ओके, म्यूजिक ऐड हो चुका है, तो मैं इसको प्ले करके दिखाती हूँ। आई होप आज की जो वीडियो है उसमें जितनी भी टूल्स और जितनी भी क्रिएशन मैंने आपको सिखाई है वो इजी भी रही होगी और आप सबको समझ भी आई होगी। पर अगर किसी को कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है या फिर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एजुकेशनल स्किल्स इन्हेंस करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू, आला हाफिज़।